महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। वन में काफी चलने के बाद दोपहर में एक वृक्ष तले विश्राम को रुके और उन्हें प्यास लगी। आनंद पास स्थित पहाड़ी झरने पर पानी लेने गया, लेकिन झरने से अभी अभी कुछ पशु दौड़कर निकले थे, जिससे उसका पानी गंदा हो गया था। पशुओं की भागदौड़ से झरने के पानी में कीचड़ ही कीचड़ और सड़े पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। गंदा पानी देख आनंद पानी बिना लिए ही लौट आया। उसने बुद्ध से कहा कि झरने का पानी निर्मल नहीं है, मैं पीछे लौटकर नदी से पानी ले आता हूँ। लेकिन नदी बहुत दूर थी, तो बुद्ध ने उसे झरने का पानी ही लाने को वापस लौटा दिया। आनंद थोड़ी देर में फिर खाली लौट आया। पानी अब भी गंदा था, पर बुद्ध ने उसे इस बार भी वापस लौटा दिया। कुछ देर बाद जब तीसरी बार आनंद झरने पर पहुंचा, तो देख चकित हो गया। झरना अब बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया था, कीचड़ बैठ गया था और जल बिल्कुल निर्मल हो गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की दौड़भाग मन को भी विशुद्ध कर देती है, मत देती है, पर कोई यदि शांत और धीरज से उसे बैठा देखता है रहे, तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और सहज निर्मलता का आगमन हो जाता है। अगर आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।